नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस लीगल अवेयरनेस सीरीज़ में स्वागत है। और इस अपार्टमेंट लॉ सीरीज़ में आज मैं बात करूंगा अपने सहयोगी मिस्टर आनंद मिश्रा के साथ पावर एंड फंक्शंस ऑफ द अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। देखिए, देश में जो कानून है उसमें सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उन पर लॉ बनाने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है। जब भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात आती है तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपार्टमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, उत्तर प्रदेश का जो कानून है वो यहाँ तक कहता है कि हर एसोसिएशन एक ही कानून को अपनाएगा। मतलब हर एक जो भी एसोसिएशन होता है उसको एक बायलॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म बायलॉज हो हर एक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के लिए, इसके लिए उसने खुद ही ये प्रावधान किया है कानून में और कहा है कि सरकार खुद ही मॉडल बायलॉज बना सकती है और उन मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करना हर एसोसिएशन के लिए अनिवार्य होगा और उसी मॉडल बायलॉज के हिसाब से सारी गतिविधियां एक एसोसिएशन द्वारा की जाएंगी। इस कानून के अंदर या इन बायलॉज के अंदर एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, एसोसिएशन की पावर दी गई है, ऑफिस बियरर्स की पावर दी गई है और साथ ही साथ प्रत्येक अपार्टमेंट ओनर के लिए भी नियम तय किए गए हैं कि वो किस तरीके से अपनी गतिविधियाँ संचालित करेगा, किस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ और कम्युनिटी लाइफ के बीच की जिम्मेदारियों को वो निभाएगा। तो आइए इसके ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आनंद के साथ कि जो मॉडल बायलॉज हैं उसके अंदर अपार्टमेंट जो एसोसिएशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जी आनंद जी, नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि किसी भी अपार्टमेंट के एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन की क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के अगेंस्ट में। तो ज़्यादातर ड्यूटीज़ बायलॉज में दी हुई हैं एसोसिएशन की, जिसमें 5 या 6 मेन जो इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं वो पहली ये है कि कॉमन एरियाज़ और फैसिलिटीज़ का मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, ये पहली जिम्मेदारी होती है किसी भी एसोसिएशन की। तो उसके मेंटेनेंस में जो भी जितना भी काम होगा सारे कॉमन एरियाज़ का, और कॉमन एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ इंक्लूड होते हैं इसकी डेफिनेशन सेक्शन 3I में अपार्टमेंट एक्ट के दी हुई है, जिसमें बेसमेंट, पार्किंग, पार्क्स, गार्डन, एंट्री एग्जिट गेट्स, एलिवेटर, इलेक्ट्रिसिटी, सारी इंसिडेंटल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कॉमन एरियाज़ में आती हैं, और उन सभी का मेंटेनेंस, उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसका रिपेयर और रिप्लेसमेंट, ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की हैं। देखिए, अगर एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि डीड ऑफ डिक्लेरेशन में जो भी एरिया कॉमन एरिया की तरह से डिक्लेयर्ड है उसकी मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ को मैनेज जो है वो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ही करेगा। साथ ही में जब बायलॉज पर हम आएंगे तो बायलॉज में ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं प्रत्येक। जब हम बायलॉज की बात करेंगे तो बायलॉज में ही हर एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। बायलॉज 3 में है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसोसिएशन। तो पहले हम बात करेंगे कि किसी भी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। आनंद बताएंगे हमें कि बायलॉज में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है और उसको मैं फिर समझाऊंगा। तो एसोसिएशन की जो पहली ड्यूटी है वो इसमें दी हुई है टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़ बाई कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द अपार्टमेंट ओनर्स एंड इफ़ नेसेसरी बाई रेजिंग लोन्स फॉर दैट पर्पज। तो इससे देखिए बात बहुत क्लियर है कि जो एसोसिएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो है रेजिडेंट से मेंटेनेंस का चार्ज लेंगे और कॉमन एरिया और फैसिलिटीज़ को मेंटेन करेंगे, कॉमन एरियाज़ को मेंटेन करेंगे और उससे जो रिजल्टेंट फैसिलिटीज़ हैं या जो भी फैसिलिटीज़ सोसाइटी में इंस्टॉल्ड हैं वो आप देंगे। फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, इनफैक्ट क्लब विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज अ फैसिलिटी। जी हाँ, नेक्स्ट ड्यूटी एसोसिएशन की है टू रिटेन एंड रेंट आउट ऑन लाइसेंस सुटेबल पोर्शंस ऑफ द कॉमन एरियाज टू आउटसाइडर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस इफ ऑल द मेंबर्स एग्री एंड गिव रिटन कंसेंट
आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड टू एक्युमुलेट द सेम फॉर बैंकिंग अ रिजर्व फंड टू बी यूज्ड फॉर मेजर रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग। जी, तो जैसे अगर कोई एसोसिएशन है वो जीबीएम में ये चीज़ पास करा लेता है कि आपका जो कॉमन एरिया है, कोई भी कॉमन एरिया, और उसका कोई एक बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से अगर किसी एरिया को आप रेंट आउट कर सकते हो फाइनेंशियल गेन्स के लिए, मतलब अगर वहाँ दुकान खुल सकती है तो आप वो दुकान को कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप उस दुकान को रेंट आउट कर सकते हैं, और उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उसे आप कॉमन एक्सपेंसेस में ऐड करके उस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं कॉमन एरिया के मैनेजमेंट, कॉमन एरिया को मेंटेन करने के लिए। और यदि ज़्यादा आपकी इनकम हो रही है उसके थ्रू तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, और उसको फिर फ्यूचर में ही कॉमन एरिया और फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आनंद, नेक्स्ट है टू एडवांस विद द कंसेंट ऑफ द अपार्टमेंट ओनर्स एनी शॉर्ट टर्म लोन टू एनी अपार्टमेंट ओनर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एंड टू प्रोवाइड फॉर द रिपेमेंट देयर ऑफ इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। जी, तो अगर मान लीजिए कि सोसाइटी एसोसिएशन जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होती है जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है और उसके पास एक रिजर्व कॉर्पस अच्छा खासा है, और कल को किसी रेजिडेंट को, सोसाइटी के मेंबर को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और एसोसिएशन उन पैसों को दे सकता है किसी भी रेट पे जैसा कि डिसाइड करेगा बोर्ड, तो वो उनको दे सकता है। हाँ, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, नॉट फॉर एन आउटसाइडर। जी, नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश एंड कैरी ऑन इट्स ओन अकॉर्ड और जॉइंटली विद इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल, फिजिकल, सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। जी, जैसा कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में होता भी है ऐसा कि वहाँ पर कुछ फिजिकल प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाती है जैसे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या क्लब्स वगैरह में सिखाने की चीज़ें, तो फैसिलिटीज़, इन फैसिलिटीज़ को देने के लिए बिल्कुल हाँ, जो आपका एसोसिएशन है वो उनके साथ कोई भी मेमोरेंडम साइन करके और वो फैसिलिटीज़ रेजिडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फ्रेम रूल्स विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन एंड आफ्टर कंसल्टिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड टू एस्टैब्लिश अ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी फंड इफ नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द एसोसिएशन। जी देखिए, बहुत सारी सोसाइटीज़ बड़ी हैं जिनके अंदर की जो है कुछ स्टाफ को आप रख सकते हैं, और एक चीज़ और भी ध्यान देने की है यहाँ पर कि जो GST है वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ पर एक थ्रेशहोल्ड के नीचे GST नहीं लगती। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम तो रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, फिर उस पर क्यों GST लगती है। तो अगर आपकी सोसाइटी अपनी कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज़ को मेंटेन कर रहा है थ्रू अ थर्ड पार्टी तो उस पर GST लगेगा नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज़। बट इफ इन केस योर सोसाइटी इज इट्सेल्फ थ्रू इट्स ओन एम्प्लॉयज़ ऑन रोल इज मेंटेनिंग द सोसाइटी, और वो जो भी GST का थ्रेशहोल्ड सेट करती है गवर्नमेंट उससे नीचे का आपसे मेंटेनेंस प्राइस लिया जाता है, तो उस पर कोई भी GST नहीं लगेगी। तो ऐसे सरकमस्टांसिस में अगर सोसाइटी अपने एम्प्लॉयज़ को रखती है तो उनके सर्विस रेगुलेशंस बना सकती है विद द परमिशन ऑफ द GBM। बट यहाँ पर एक कैच और ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसलिए पास कराना पड़ता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बेनिफिट्स को देखते हुए लेबर लॉस का या फिर एप्लीकेबल लॉस का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि GBM चाहे अपने बेनिफिट के लिए किसी के राइट्स को ना वायलेट करे, इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उन बायलॉज को, उन सर्विस रेगुलेशंस को चेक किया जाना अनिवार्य बनाया गया है। जी आनंद, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू डू ऑल थिंग्स नेसेसरी और अदरवाइज प्रोवाइड फॉर देयर वेलफेयर एक्सपीडियंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन दीज बायलॉज। जी, इस एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो उनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, अश्योर करने के लिए और इंश्योर करने के लिए वो विद द परमिशन ऑफ द GBM और विद द मेंबर्स कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जैसे COVID-19 चल रहा है ऐसे समय में ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रोमिनेंटली उभर कर आता है, और अगर सोसाइटीज़ कुछ ऐसे रूल्स बना रही हैं जो कि आर्बिट्रेरी नहीं लगते,
विम्सिकल नहीं लगते और ऐसा लगता है कि वो दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेजिडेंट्स और फॉर द वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स, देन दे कैन डेफिनेटली यूटिलाइज दिस सेक्शन स्पेसिफिकली दिस क्लॉज ऑफ द बायलॉज टू मेक सच रेगुलेशंस। जी हाँ, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स हाँ बायलॉज के अंदर कि एक एसोसिएशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके बोर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके क्या पावर्स हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से एक अपार्टमेंट का और कॉमन एरियाज का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है जो कि बायलॉज में ही दिया हुआ है और लोगों को इसके बारे में जानना आवश्यक है। अगले एपिसोड में हम कुछ फिर नया लेकर आएंगे अपार्टमेंट लॉ के ऊपर, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू आनंद।